नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट आपको आज इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं मार्केटिंग के बारे में। निधि कंपनी का मार्केटिंग किस तरीके से करना है, क्योंकि लोगों का यह क्वेरी है कि अगर बैंक का इंटरेस्ट रेट से ज्यादा निधि कंपनी का इंटरेस्ट रेट है तो फिर कोई निधि कंपनी के पास क्यों आएगा, बैंक के पास क्यों नहीं जाएगा या फिर एनबीएफसी के पास क्यों नहीं जाएगा। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, इससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सिबिल जो एप्लीकेबल है वो बैंक और एनबीएफसी के लिए एप्लीकेबल है। जो सिबिल स्कोर के कारण लोन नहीं मिलता वो बैंक और एनबीएफसी में नहीं मिलता। तो मैं आपको बताऊं कि केवल आपके पास गोल्ड है या प्रॉपर्टी है तो उससे आपको लोन नहीं मिलता बैंक और एनबीएफसी में। लेकिन निधि में अगर आप आते हो तो सिबिल निधि नहीं देखती है। निधि कंपनी उसका बैंकिंग ट्रैक रिकॉर्ड जरूर देख लेती है, उसका इनकम अगर ठीक है तो भी उसको कंसीडर करती है। ये चीज बैंक हमेशा नहीं कर पाती है, ये चीज एनबीएफसी भी नहीं कर पाती है। तो आपका एक्चुअल इनकम को भी कंसीडर किया जाता है। मैं आपको बताऊं कि अगर कोई व्यापारी अपना इनकम टैक्स रिटर्न में अमाउंट ज्यादा नहीं दिखाता लेकिन उसका कैश का जो गल्ला है, कैश का जो डेली व्यापार है वो बहुत अच्छा है, उस चीज का असेसमेंट भी निधि कंपनी कर सकती है। ये आप लोगों के लिए आइडिया दे रहा हूं मैं, उस चीज का भी असेसमेंट निधि कंपनी कर सकती है और असेसमेंट करके उनको ज्यादा लोन दे सकती है जितना उन लोग पटा सकते हैं आपको, राइट। और इसके अलावा फिर से बता दूं, सिबिल स्कोर एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पे इक्विफैक्स, हाईमार्क ऐसी कंपनी को वो ले सकते हैं जो कि सीआईसी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी। सिबिल भी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी है और इक्विफैक्स हाईमार्क भी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी है, बट सिबिल वाला चीज हम यहां नहीं देख पाते और इक्विफैक्स और हाईमार्क जो है वो हम चेक कर पाते हैं। अगर कहीं पर निधि कंपनी या माइक्रो फाइनेंस कंपनी में कोई अगर डिफॉल्ट किया होगा तो आपको दिख जाएगा कि उसने डिफॉल्ट किया और आप उसको नहीं भी दे सकते हो। लेकिन मैं आपको बताऊं, सिबिल मेन कारण होता है बैंक और निधि कंपनी के अलग होने का। बैंक और एनबीएफसी सिबिल के कारण लोन नहीं देते, एनबी और निधि कंपनी ऐसा नहीं है, वो लोन देती है आपके स्किल के ऊपर, आपका अभी का जो अमाउंट, आपके कमाई का जो पावर है उसके अनुसार में निधि कंपनी लोन दे सकती है। तो आपके पास बहुत बड़ा पावर है लोन देने का, उनके पास रिजेक्शन का पावर है, आपके पास देने का पावर है। ये पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो केवल प्रॉपर्टी यहां इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल गोल्ड यहां इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां पर चुकाने की क्षमता अगर आपकी है जो कि बुक्स में शायद नहीं दिख रही हो लेकिन वैसे है तो आप निधि कंपनी के तरफ से लोन दे सकते हो। तो निधि कंपनी लिबरल है, निधि कंपनी अपना रिलेशन पर्सनली मेंटेन करके रखती है। बैंक में और दूसरे जगह जाने से लाइन लगाने की जरूरत पड़ती है या समय लगाने की जरूरत पड़ती है, एक व्यक्ति को आपको उसके लिए डिप्यूट करना पड़ता है। लेकिन निधि कंपनी घर पहुंच सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है और काउंटर पे बहुत कम भीड़ होती है तो वहां पर सुविधा के कारण भी होता है। तीसरा चीज, जो कल्चर और व्यवहार निधि कंपनी जनरेट करता है, एक अपनापन जनरेट करता है, उसके कारण भी लोग बैंक और एनबीएफसी के जगह पे निधि कंपनी के पास आते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत सारा यूएसपी है निधि कंपनी के पास में जो बैंक और एनबीएफसी से हम लोग को अलग करता है। हम सामने वाले को सुविधा और सामने वालों के फायदे के लिए हम लोग हमेशा काम कर पाते हैं और इस चीज को ही आपको हाईलाइट करना है। और एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, क्या आपको नहीं करना है, मैं आपको बता दूं, बैंक ने 300 करोड़ से 700 करोड़ देकर बैंक खोला है, आपने 5 लाख से 10 लाख रुपए देकर निधि कंपनी खोला है, दोनों में कंपेयर करना वैसे भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम लोग जो सबसे अच्छे फीचर्स हमारे हैं ना, उसको अगर हम लोग बताने लगेंगे और हम क्या एडिशनल सुविधा देते हैं केवल उसकी बात करिए, पॉइंट टू पॉइंट कंपेयर हम लोग कर नहीं पाएंगे उनके साथ। यस, तो दोस्तों आपको इस यूएसपी के बेस पे अपने निधि की मार्केटिंग करनी है और आपको जीतना है। तो बने रहेगा मेरे साथ, आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।